अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को मिली शर्मनाक हार, तो क्या बोले दुनिया भर के तमाम दिग्गज। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट के चौथे दिन भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद दुनिया भर के तमाम दिग्गज का बयान सामने आया है। इस बीच शोएब अख्तर, केविन पीटरसन से लेकर रिकी पोंटिंग, सचिन तेंदुलकर ने रोहित शर्मा को हार का जिम्मेदार बताते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार भारतीय टीम की हार के बाद दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है महान कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए हैदराबाद के मैदान पर पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जहां पर टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड की टीम ने शानदार जीत दर्ज की और भारतीय टीम को रोमांचक अंदाज से हराया है। इस दौरान भारतीय टीम 231 रन के लक्ष्य का पीछा करने में असफल रही और इस मैच को हार गई। इसके बाद दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने बयान दे दिया, जिसमें शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है, इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा की खराब कप्तानी देखने को मिली है। रोहित शर्मा ने जिस प्रकार से खराब कप्तानी के साथ खराब बल्लेबाजी की है, उसी के चलते भारतीय टीम को इस मैच के अंदर हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी पहली पारी के अंदर देखने को मिली थी और पहली पारी के अंदर गेंदबाजी भी बेहतर तरीके से देखने को मिली, लेकिन जिस प्रकार से दूसरी पारी में भारतीय टीम ने खेल खेला है, वो वास्तव में काफी ज्यादा निराशाजनक था। ऐसे में हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा से सवाल पूछने चाहिए। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के चौथे दिन हार का सामना कर लिया, जो दर्शाता है कि इंग्लैंड की टीम के पास बिल्कुल भी बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए इस मैच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा के खराब कप्तानी देखने को मिली है। कप्तान रोहित शर्मा ने काफी ज्यादा खराब कप्तानी करते हुए भारतीय टीम को बैकफुट पर डालने का कार्य किया और इंग्लैंड की टीम को जीतने का मौका दिया, जो वास्तव में काफी हैरान कर देने वाला मोमेंट था। क्या इस मैच के अंदर इंग्लैंड की टीम को जीतने की उम्मीद ना के बराबर थी? ऐसे में मेरा मानना है कि इंग्लैंड की टीम के खिलाफ हार के बाद भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा को उनकी कप्तानी से हटा देना अनिवार्य है। तो वहीं रिकी पोंटिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत नहीं मिली है, इसके पीछे रोहित शर्मा का काफी बड़ा हाथ है। रोहित शर्मा ने इस मैच के अंदर ना तो बेहतरीन बल्लेबाजी की है और ना ही बेहतरीन कप्तानी की है, और यही कारण है कि भारतीय टीम इस मैच के अंदर दिक्कत का सामना करते हुए दिखाई दे रही थी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा की जगह पर विराट कोहली अगर टीम की कमान संभाल रहे होते तो शायद भारतीय टीम को इस मैच के अंदर जीत मिल गई होती। सिर्फ भारतीय टीम को नहीं बल्कि भारतीय टीम को तीसरे दिन बड़ी जीत मिल जाती, लेकिन इसके लिए भारतीय टीम के अंदर विराट कोहली का कप्तान होना भी काफी ज्यादा आवश्यक था। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि इंग्लैंड की टीम इस मैच के अंदर काफी ज्यादा पीछे दो दिन के अंदर थी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है और भारतीय टीम इस लगभग जीते हुए मैच में अगले दो दिन के अंदर खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई भी दी है, उसको देख मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने काफी ज्यादा खराब कप्तानी की है, साथ में उन्होंने जिम्मेदारी के साथ बेहतर प्रदर्शन नहीं किया और यही कारण है कि इंग्लैंड की टीम इस मैच के अंदर काफी ज्यादा मजबूती के साथ भारत के ऊपर हावी हो गई और मैच के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भारत को चौथे दिन हार का सामना करवा दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच को भारतीय टीम किस गलती के कारण हार गई है? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम इस मैच को अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों की खराब गेंदबाजी और केएल राहुल की कैच ड्रॉप को देखकर भड़क उठे भारतीय दिग्गज, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट के चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों की खराब गेंदबाजी देखने को मिली है, जिसको देखकर भारतीय दिग्गजों का बयान सामने आया। इस दौरान सुनील गावस्कर, कपिल देव से लेकर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग ने एक ऐसा बयान जारी किया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय गेंदबाजों की खराब गेंदबाजी को देखकर भारतीय दिग्गजों ने क्या बयान दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा में कौन बेहतरीन गेंदबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हैदराबाद के मैदान पर खेला, जिसके
के चौथे दिन भारतीय टीम काफी ज्यादा दिक्कतों में आ गई थी। आपको बता दें, भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 240 रनों पर ऑल आउट करने के बाद खुद 436 रनों पर ऑल आउट होकर बनाए थे और साथ ही में 190 रनों की लीड हासिल की और उसका पीछा कर इंग्लैंड ने तीसरे दिन 316 रन बनाकर 126 रनों की लीड बना ली। लेकिन चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों की खराब गेंदबाजी देखने को मिली थी और साथ ही में एकमात्र सफलता देखने को मिली जिसको केएल राहुल ने मिलने ही नहीं दिया। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों की खराब गेंदबाजी को देखकर और केएल राहुल के खिलाफ भारतीय दिग्गजों ने एक बयान दिया जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को नहीं मिली है। जिस तरीके से भारतीय टीम तीसरे दिन दबाव में रही थी उसी तरीके से चौथे दिन भी भारतीय टीम दबाव में रही है और भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को मैच में आने का पूरा मौका दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की टीम के पास बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों ने पहले सेशन के अंदर चौथे दिन खराब प्रदर्शन किया उसको देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूं। मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारत को अब जीतने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं कपिल देव ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मैच के अंदर सभी गेंदबाजों की ठीक ठाक गेंदबाजी देखने को नहीं मिली है। जिस तरीके से भारतीय टीम ने पहली पारी के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया था दूसरी पारी में भारतीय टीम ने उतना ही ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है जो कि भारतीय टीम को काफी ज्यादा बैकफुट पर धकेलने का काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को नहीं मिली और न ही सभी खिलाड़ियों की बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली है। चौथे दिन अगर ये सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते तो शायद भारतीय टीम को इस मैच के अंदर जीत मिल सकती थी और भारतीय टीम बैकफुट पर नहीं पहुंच पाती। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को नहीं मिली ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से एक या दो गेंदबाज के अलावा कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जिसने अच्छी गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीतने में मदद पहुंचाई हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से भारतीय गेंदबाजों ने खराब गेंदबाजी की है साथ में राहुल ने काफी ज्यादा खराब फील्डिंग की जो बताता है कि भारतीय टीम इस मैच के अंदर बैकफुट पर जाने का काम कर रही है। अगर इसी तरीके से भारतीय टीम ने आगे भी अच्छा प्रदर्शन किया तो शायद भारतीय टीम इस मैच को ही नहीं बल्कि सीरीज को भी अपने हाथ से गंवा सकती है। वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से आज सभी खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास किया था लेकिन सभी का इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन देखने को मिला जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। साथ में केएल राहुल ने एकमात्र मिले मौके को हाथ से गंवा दिया और भारतीय टीम को अब बैकफुट पर डालने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के लिए सभी गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिल जाती तो शायद भारतीय टीम इस मैच को अपने नाम कर लेती लेकिन भारत ने इस मैच के अंदर जीत हासिल करने की जगह पर बैकफुट पर आने का काम किया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ मैच को अपने नाम कर पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया तूफान तो भड़क उठे इंग्लैंड के दिग्गज, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुन आपका भी खौल उठेगा खून। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला जिसको देखकर इंग्लैंड के दिग्गज बौखला गए। इस बीच केविन पीटरसन, माइकल वॉन से लेकर नासिर हुसैन, स्टुअर्ट ब्रॉड के भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए एक ऐसा धमकी भरा बयान जारी किया है जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार भारतीय टीम की तूफानी पारी को देख इंग्लैंड के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल में से कौन है खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है जहां पर इस मैच के अंदर इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 246 रन 65 ओवर के अंदर बने और इसका पीछा करने के लिए उतरी भारतीय टीम ने पहले दिन 119 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो जायसवाल 80 रन पर आउट हुए तो वहीं राहुल ने 86 रन का योगदान दिया जिसके अलावा रविंद्र जडेजा ने अंत तक 81 रन के बेहतरीन पारी खेली और भारत 175 रन की लीड के साथ 421 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाकर मौजूद है। ऐसे में भारतीय टीम को तूफानी बल्लेबाजी को देख इंग्लैंड के दिग्गजों ने बौखलाते हुए बड़ा बयान दे दिया है जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है लेकिन
भारतीय बल्लेबाज ज्यादा खुश न हो, क्योंकि भारतीय टीम के द्वारा इतना भी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी इस मैच में देखने को मिली है, लेकिन भारतीय टीम को अभी आगे गेंदबाजी भी करनी है, लेकिन अभी भारतीय टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टीम के पास आगे बेहतरीन प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं है। ऐसे में अब भारतीय टीम हार के लिए हमारे खिलाफ तैयार रहे। तो वहीं माइकल वॉन ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों की तूफानी पारी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाया है कि उनके पास क्या कुछ करने की काबिलियत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की टीम कमजोर नहीं है। हालांकि टीम के सामने 3 दिन बाकी हैं और हमारी टीम के पास बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं।